दोस्त दक्ष। सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद दक्ष। ये है वडनगर टूर सीरीज का एपिसोड नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, ये थर्ड एपिसोड है वडनगर टूर सीरीज का, और जो लास्ट एपिसोड था वो था हमारा एपिसोड नंबर 2 इस सीरीज का। तो लास्ट एपिसोड के अंदर आपने देखा था कि हम लोगों ने 2 जगह एक्सप्लोर की थी। नंबर 1 था कोका गणपति और सेकेंड था 88 यानी कि 88 ऋषि लेक। और फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 3 में, सो फ्रेंड आज के स्टूडियो के अंदर हम लोग 2 जगह एक्सप्लोर करने वाले। नंबर 1 है अंबाजी कोठारे और सेकेंड है तानारीरी। जी हाँ दोस्तों, ये 2 जगह आज की स्टोरी के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कि आप आज का ये जो वीडियो है वो आप एंजॉय करने वाले हैं, और आप भी मेरे साथ में डिजिटली घूमने वाले हैं अंबाजी कोठारे और तानारीरी। तो ये दोनों जगह हम आज घूम के एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, लेट्स चेक इट आउट। हम लोग आए अंबाजी कोठारे, और ये जो लेके इसकी तो अभी आपको हिस्ट्री में मैं क्या बताऊँ, इसकी हिस्ट्री नहीं है। तो बस मैंने कुछ लेक्स के जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मैंने शॉट्स लिए, तो उसको अभी आप इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ओनली 3, 2, 1 एंड गो। अंबाजी कोठारे की अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो वडनगर के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है वडनगर का, उसके ही जस्ट थोड़ी आप आगे जाएंगे तो आपको ये अंबाजी कोठारे का आपको देखने को मिल जाएगा। बोर्ड के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है अंबाजी कोठारे। तो ये मैंने आपको लोकेशन बताई। गाइस, अभी आपने देखा कि हम लोग इधर आए और मैंने यहाँ पे मस्त मस्त से शॉट लिए, तो वो भी आपने देखे। और अभी हम लोग हमारे जो अगला डेस्टिनेशन अगली जगह है उधर हम लोग चलते हैं, तो उधर जाके मैं आपको मिलता हूँ फ्रेंड्स। Thank you.
सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि हम लोग कोठा अंबाजी लेक से लेके हम लोग पहुंचे तानारीरी। तो दोस्तों अभी क्या है कि अभी मैं आपको तानारीरी का जो इतिहास है वो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो तानारीरी का जो इतिहास है वो एक्चुअल में गूगल और यूट्यूब ऐसी जगहों पे अवेलेबल है, बट मैंने अपने गांव में मेरे जो फादर, मेरे पापा के जो दादा है उनसे मैंने जाना, और उससे भी थोड़ा बहुत मैंने जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे मैंने जाना था इतिहास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इतिहास को मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ताना और रीरी कौन थी। तो दोस्तों, ताना और रीरी दोनों जुड़वा बहनें थी जो नरसिंह मेहता थे। नरसिंह मेहता 15वीं सदी के अंदर गुजरात के एक कवि थे, और उनकी जो पौत्री थी यानी कि शर्मिष्ठा, उनके नाम पे शर्मिष्ठा लेख भी है वडनगर के अंदर, तो वो मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। तो शर्मिष्ठा की दो बेटियां थी, उनका नाम था ताना और रीरी। फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे पहली बात थी कि ताना और रीरी कौन थी, वो सबसे पहली बात हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात के इतिहास वो मैं आपको अभी बताता हूँ फ्रेंड्स। जो इतिहास है वो है अकबर जो थे उनके दरबार के अंदर एक क्या था कि एक तानसेन नाम के जो जिनको बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना आता था, तो उनका नाम तानसेन था, और उनको क्या था कि जो राग दीपक है वो राग उनको काफी ज्यादा अच्छा गाना आता था, तो उनको जो राग दीपक है वो काफी ज्यादा अच्छे से गाना आता था, और वो उस राग को गाने के अंदर काफी ज्यादा माहिर थे जो तानसेन थे। वो हुआ क्या कि जो तानसेन के जो गुरु थे जिन्होंने उनको गाना सिखाया था, तो वो क्या था कि वो उनकी जो डेथ हो चुकी थी, तो तभी वो गए थे और उन्होंने क्या था कि जो राग दीपक है वो उन्होंने गाया था फ्रेंड्स। और दोस्तों, पहले के जमाने में क्या होता था कि जो संगीत था, जो म्यूजिक था, वो उस टाइम में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, और क्या था कि जो राग दीपक है वो पहले के जमाने में जब लोग गाते थे तो एक दिया जो था वो इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो जल जाता था। तो ऐसा था ऐसे कि जब तानसेन ने जो राग दीपक था वो उन्होंने गाया था, तो क्या हुआ कि उनकी जो पूरी शरीर के अंदर जो कि था वो ज्वालामुखी हो गया था, मतलब पूरा अंदर से गर्म हो चुका था, और क्या था कि उसको ठंडा करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए एक राग गाना होता है, उसका नाम है राग मल्हार। उस राग का नाम मल्हार है। तो तभी क्या हुआ कि वो जो राग था वो कोई गाए लेकिन किसी को आता नहीं था, तो क्या हुआ कि तभी जो अकबर सेना के जो सेनापति थे इजाद खान, वो क्या था कि वो इस खोज में गए थे कि है ना मल्हार राग गाने वाला कोई माहिर इंसान हो, तो वो ऐसे करते करते ऐसे खोज में वो पहुंचे वडनगर। कि जब इजाद खान खोज के अंदर पहुंचे वडनगर, तो तब उनको वहां पे पता चला ताना और रीरी के बारे में कि है ना ये जो है वो संगीत में काफी ज्यादा माहिर है। तो तब इजाद खान ताना और रीरी के पास में गए, और ताना और रीरी से उन्होंने कहा कि आपको अकबर के दरबार में जाके ये जो मल्हार राग है वो आपको गाना पड़ेगा। तभी क्या था कि तब ताना और रीरी ने एक व्रत रखा था कि वो जो मल्हार राग है वो उधर की जो उनके देवताओं की जो मूर्ति है उनके ही सामने गा सकते, कहीं और बाहर जाके नहीं गा सकते। तो उन्होंने उनसे मना किया, बट क्या है कि तभी इजाद खान ने उनको फोर्स किया कि आपको चलना ही पड़ेगा। फिर जब ताना और रीरी के ऊपर फोर्स आने लगा, तो तब ताना और रीरी दोनों घबराए कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसे में ताना और रीरी ने डिसीजन लिया कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे। तो वो उधर के एक कुएं के अंदर जाके उन्होंने क्या है कि आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड कर लिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये जगह बनी, और ताना और रीरी की याद में ये जगह बनी, और फिर उसका नाम रखा गया ताना रीरी। तो ये इस जगह की कहानी थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कहानी, और क्या है कि अगर मुझसे कोई कहानी में गलती हो गई हो तो क्या है कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बाकी तो आपको अगर काफी ज्यादा मतलब आपको डीप के अंदर अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी उसके काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, उधर जाके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ताना और रीरी की याद के अंदर जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो है ताना रीरी महोत्सव की उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये महोत्सव जो है उसके अंदर क्या है कि काफी सारे तो पूरे देश भर से संगीत के महारथी आते हैं, और उनका जो टैलेंट है वो ताना रीरी
स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं और ये जो तानारीरी महोत्सव है वो हर साल होता है। तो लास्ट ईयर की क्या है कि मेरे पास में क्लिप्स पड़ी है, तो क्या है कि इस साल भी 2021 के अंदर 12-13 नवंबर को ये महोत्सव होने वाला है। तो क्या है कि मैं उधर जा पाता हूँ और मैं कैप्चर कर पाता हूँ, तो मैं शायद से आपको इस साल का भी मैं आपको महोत्सव की क्लिप में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। खैर अभी तो फिलहाल आप लास्ट ईयर की जो क्लिप्स है उनको आप देखिएगा। तो और काफी सारे जो तानारीरी है उसके भी काफी सारे मैंने अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स, काफी ज्यादा अच्छे अच्छे शॉट्स मैंने लिए, तो उसको भी आप एंजॉय करिएगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे तानारीरी महोत्सव एक फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे हर साल होता है, तो उसकी यहाँ पे जो है वो तैयारियाँ चल रही है। तो दोस्तों तानारीरी के अंदर कई सारे गार्डन है और उन्हीं गार्डन में से ये है गार्डन जिसका नाम है अमरकुंड, तो इसके अंदर मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे लेडीज और जेंट्स टॉयलेट की भी यहाँ पे जो है वो फैसिलिटी दी गई है, तो ये और यहाँ पे हैंडीकैप के लिए भी टॉयलेट बनाया गया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी दी गई है।
है ताना रीरी। तो ये जगह के आपने कुछ शॉट्स देखे। तो यहाँ से अभी हम लोग देख सकते हो ये रेड कारपेट बिछाया हुआ है। यहाँ से सारी एंट्री होती है और सब लोग यहाँ पर बैठते हैं। सो गाइस अभी आपने देखा मैंने पूरा वहाँ पे टॉप पे चढ़ के मैंने यहाँ पे पूरा शॉट लिया था। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग फाइनली घर पे आ चुके हैं। आज का ये वीडियो बस इतना ही, और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भूल बिना लाइक और शेयर जरूर करना। मम्मी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, उसके बाद मुझे नोटिफिकेशन बेल है उसे ही प्रेस कर देना ताकि आप हमारे इस चैनल की हर नोटिफिकेशन एंड लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर सी माय नेक्स्ट वीडियो। नॉट डाउट इन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज ऑल नॉलेज। टिल देन वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।